मैं इसे शांत नहीं कर पा रही। मॉम मॉम चलो खेलें। इसमें इतनी एनर्जी कैसे है? रुको बहुत हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी मॉम मेरे बारे में क्या सोचती हैं। हम नानी को हार करते हैं। नहीं ये अच्छी लग रही है। ही, क्या तुमने मुझे बुलाया है? वाह इतनी जल्दी। इस छोटे फॉन्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो ताकि मैं शुरू कर पाऊँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा होगा। बढ़िया, अब मेरे पास आओ बेबी। मेरा नाम जेस है, उम्मीद है तुम दोनों का दिन अच्छा होगा। हाँ जरूर, चलो खेलें। जेस आखिरकार शांति और सुकून, तुम अब यहाँ रहोगी। वाह मुझे पसंद आया, मुझे सब दिखाओ। वाह एक मार्शमेलो। वाह कितना कूल पोस्टर है। मॉमी ये टॉय बहुत अच्छा है। वाह पर तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? मेरे पास लंबे हाथ हैं ताकि मैं हर जगह तुम तक पहुंच सकूं। बढ़िया, देखो ये हमारी अलमारी है। वोला ये सब मेरे हैं और ये तुम्हारा, चलो पहन लो। मुझे ये पसंद नहीं है। ओह तुम्हें पसंद आया है पर ये तुम्हें नहीं पता। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा नाम जेस है। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम फीड कभी खत्म नहीं होता। एक क्रूज बड़ी बात है, उसमें कौन जाता होगा? फिटनेस के लिए बेद को कैसे टाइम मिलता है? जेस खाना खा लो। जेस कहाँ हो तुम? ओह नहीं मेरी बेटी कहाँ है? फिर से लुका छुपी खेल रही है। बाहर आओ जेस, मुझे पता है तुम यहाँ हो। नहीं ये डॉल मेरी बेटी नहीं है। पर वो कहाँ गई? जेस जेस हनी बाहर आओ, मॉम तुम्हें कैंडी देगी। मेरी जेस कहाँ है? अब 911 को कॉल करना है। उनका नंबर क्या था? हेलो मेरी बेटी खो गई है। हेलो जेस वैसे पूरा घर बर्बाद करती है। आह वो काफी शरारती है और शोर मचाती है और मैंने एक नैनी हायर करने का सोचा लेकिन वो गायब हो गई। मैंने हर जगह ढूंढा, पिलो के नीचे, टी पॉट में। हाँ 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 मैं समझ गई। मैं अपनी बच्ची को बहुत मिस कर रही हूँ। उसे ढूंढो, हम उसे ढूंढ लेंगे, चिंता ना करें। या फिर नहीं ढूंढ पाएंगे, पर मेरे पास मैग्नीफाइंग है, इसमें सब बड़ा दिख रहा है। वाह ये किसके बाल हो सकते हैं? हे अगर आपको कोई आइडिया है तो कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैं अच्छी कॉप नहीं हूँ। मुझे लगा था कि ये सिर्फ डोनट खाने का काम है। ओह शुक्रिया, मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। ये क्या है? गंदा, क्या है ये? ये सारी उस चलाक बच्ची की चलाकी है। क्या उसने हद कर दी है? उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। आखिरकार मैं पुलिस डॉग का पार्ट टाइम काम करती थी, मैं उसे पकड़ लूंगी। ठीक है। आउच, आउच, आउच। फंस गई। ये पागल है, इसे चोरी करके गलती हो गई। मुझे ध्यान हटाना चाहिए। क्या मेरी पसंदीदा बुक? हाँ मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें काट दी हैं। खैर ये बढ़िया आइडिया है और मैं इन सबको इस्तेमाल करूंगी। मुझे एक बोर्ड चाहिए। ओह हाँ मुझे मैजिक पसंद है और एक ट्रेन भी। बहुत अच्छा है। हाँ मैं तुम्हें एक हाथ से ही हरा दूंगी। ठीक है देखते हैं। ऐसे क्या? लूजर तुम भी वही हो। मुझे नहीं पता था कि बच्चे चोरी करना इतने झमेले वाला काम है। क्या एकदम सही निशाने पर। मैं निशाना नहीं हूँ। और स्ट्रॉस के लिए शुक्रिया। दोबारा दूसरा शॉट। ठीक है मैं और शांत नहीं रह पा रही। एक सेकेंड रुको। स्ट्रॉस ठीक है, एक कार लेते हैं और बेकिंग पेपर। हम स्ट्रॉस को रैप करके उन्हें आयरन करेंगे। ये जुड़ गए। अब ये बढ़िया पेंसिल केस बन गया है। यहाँ और भी है, एक बैग बनाकर उसमें छुपा ले। ओ, मेरे पास और स्ट्रॉ नहीं है लेकिन अभी भी पेंसिल्स हैं। ओ हाँ चलो खेलें। मैं जो भी पकड़ूंगी वो मेरा होगा। और फिर से
वो बहुत चीजें बिखेरती है। तुम क्या कर रही हो? ओह, मुझे चॉकलेट कुकीज बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट है। क्या क्रम्स? मैंने अभी यहाँ सफाई की है। मुझे टुकड़े करना अच्छा लगता है, इससे और भी स्वादिष्ट लगते हैं। खैर, अब रोबोट वैक्यूम क्लीनर का समय है। ठीक है, तो तुम्हें सब साफ पसंद है मॉमी, और ड्राइंग के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये क्या है? ओ नहीं, अगर मेरी बेटी खतरे में हुई तो तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। बोरिंग, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। पर इनाम का क्या ख्याल है? कॉप को रिश्वत देने का सोच रही हो? हमें पहले यही से शुरू करना चाहिए था। इतनी जल्दी नहीं, पहले मेरी बेटी को वापस लाओ। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुमने मेरी बेटी ढूंढ ली? बिल्कुल, अपनी बेटी से मिलो। नहीं जेसी, मुझे अब जाना होगा। एक मिनट रुको, ये तो मास्क है। हाय, मुझे उन्होंने कहा कि इसके बदले 10 बक्स दूंगी। अब मैं अमीर हूँ। तुमने मुझे झूठ कहा, बहुत बुरा किया, निकल जाओ। पर नहीं, ओह, ग्लव के ऊपर की स्किन काफी ड्राई है, मुझे क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए। और मिरर ये रहा। हम इसे पूरे हाथ पर लगाएंगे। अब दूसरा वाला। उप्स, और क्रीम नहीं बची है। मेरे पास और है। मुझे पसंद आया, शुक्रिया, मेरा फर्ज था। मुझे समझ नहीं आता कि ये इतना छोटा क्यों बनाते हैं। मदद करो। प्रैंक काम कर गया, ये ग्लू है। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ मेरी बच्ची, वो कहीं अकेली होगी। मैं पड़ोस में फ्लाइस लगा देती हूँ। चलो चले। रुको, बैठो, इसे लो। बढ़िया, बाय। ला 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 लव मामी, क्या आप जा रही हो? खैर, ठीक है, मेरे साथ चलो। क्या मैं और खिलौने ले सकती हूँ? ठीक है, पर जल्दी। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला। वाह, आराम से, बहुत तेज है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। रुको, बहुत खिलौने हो गए, अब हम जा रहे हैं। पर मेरा बेयर नहीं, मेरे बैग में और जगह नहीं है, हमें जाना है। ओ नहीं, इधर क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, चोरी हुई है। पुलिस? हाँ, क्या हुआ? मैं आ रही हूँ। लगता है मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है। अंदर आओ। हे मैडम, आपने ये गिरा दिया। मुझे ये पिक्चर उसके मालिक को देनी चाहिए। क्या, कौन है? ओ नहीं, मेरा पर्दा पाश हो गया। ठीक है, डरो नहीं, डरो नहीं। डर गई। ओह, सूटकेस। हाँ, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जाओ। चलो। वाह, बहुत भारी है। हेलो ऑफिसर, अंदर आइए। बढ़िया अपार्टमेंट है। शुक्रिया, आज तुमने सफाई नहीं की। हाँ, मुझे टाइम नहीं मिला, पता ही है, छुट्टियों पर घूमने जा रही हो। सूटकेस में क्या है? मैं सब बताती हूँ। बता नहीं पड़ेगा, इस फोटो को तुमने गिरा दिया था। मैं इसे वापस करने आई हूँ, अच्छे से छुट्टियाँ मनाना। बाय, कॉल करना 911 पर। बर्फ पर चलने जैसा था। अब जेस को बाहर निकालते हैं। उम्मीद है ये ठीक होगी। खुल जाओ, ये लाइक से ही खुलेगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि जेस को बाहर निकाल सके। ओ, शुक्रिया, अब मैं इसे खोल सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा, जेस तुम कहाँ हो? अभी नहीं प्लीज। ठीक है, क्या ये बहुत शैतान है? मैं इन बॉल्स की वजह से गिर गई। मैं कुछ नहीं सुन पा रही,
ला 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 ला। ये मुझे पागल कर देगी। ये काम करेगा। हम सिजर्स और कप्स लेंगे, बॉल से थोड़ा बड़ा होल काटेंगे, सबको एक साथ जोड़ेंगे और हो गया। ये क्या है? बस ट्राई करो, बॉल को इसके अंदर डालो। वाह मजेदार है, बॉक्स के अंदर बढ़िया। हाँ बढ़िया है। क्या दिन था, इतनी शांति क्यों है? जेस कहाँ है? जेस दोबारा छुपन छुपाई खेलना चाहती हो? वो कहाँ है? जेस बाहर आओ। अजीब है, कहाँ हो सकती है? ओ, मुझे पता है, नाचो नाचो, मजेदार है, चलो सारी चीजें बिखेरे। ओ फूल, इनकी खुशबू कितनी अच्छी है, नाचो। बहुत मजा आ रहा है, वो कहाँ गई? क्या 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 किसी ने नाचने और मजे की बात की? उसने मुझे डरा ही दिया, मैं और नहीं झेल सकती, मुझे शांत होना होगा। ओह ये खींच रहा है, बढ़िया। हमारे पास यहाँ क्या है? बढ़िया सैंड क्ले, इसे गूंथते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है ये कितना बढ़िया है। ओह फूल फिगर्स, बढ़िया, इनके छोटे टुकड़े करती हूँ। इसमें कितना आराम मिल रहा है, मैं अपनी ही धुन में झूम रही हूँ। वो क्या कर रही है? ओह जेस मैं कुछ नहीं कर रही थी, यहाँ कुछ नहीं है, अपने रूम में जाओ। और मैं नहीं नहीं नहीं, ये बहुत आवाज करती है, मैं सीधे नहीं खड़ी हो पा रही। मेरा नया गाना, फार्मर के पास एक डॉग था, नहीं रुको, उसका नाम बिंगो बिंगो। मुझे पॉट दो, मैं और नहीं सह सकती। मेरी बेटी, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। हेलो ये रही तुम्हारी बेटी, मेरी बच्ची। आखिरकार मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ, ये एक स्कैम था। मुझे सबूत मिल गया, वो बेबी है। हाँ केस सॉल्व हो गया, अब लूजर कौन है? हाय मॉली। ओह मॉमी, हम एक साथ स्कूल जाते थे। हाँ और तुम्हें ये याद है? नहीं हगी, मैं जा रही हूँ, सब बहुत खराब है। अच्छा मैं यहाँ अकेले बैठूंगी। देखो हगी, ये मिल्टन बिल है, तुम्हें ये टाउन पसंद आएगा। ओह मुझे चोट लग गई थी, क्लच थोड़ा आराम से छोड़ो। वाओ क्या लूजर है। हगी कहाँ है, क्या तुम्हें चोट लगी? आ, तुम अच्छे से बैठे हो, तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे अपनी रखवाली खुद करनी होगी। ओह मुझे माफ करना, मुझे ये निकालना होगा, ये सेफ्टी के लिए है। मुझे इस बेल्ट की ज्यादा जरूरत है। मैं निंजा हूँ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, अब मुझे संभल कर रहना होगा। सीट बेल्ट भी स्टाइलिश होनी चाहिए, अब मैं पिछले हफ्ते की तरह विंडशील्ड से नहीं गिरूंगी। हम पहुंच गए। हे, उस बारे में सोचना भी मत, मैं हमेशा पहले जाती हूँ। मैं अभी यहाँ बैठ जाती हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। ओह माफ करना, तुम ठीक हो? ओह नहीं मेरा फोन। ओह मेरा दिल स्क्रीन के साथ टूट गया, तुम मुझे ये ठीक करके दोगी? ये मजेदार है। ओह ये मेरी गवाह होगी। नहीं वो नहीं बनेगी, मैं तुम दोनों से निपट लूंगी। दोस्तों नीचे कमेंट करें और हमें बताएं ये किसने शुरू किया। तुम सेफ हो, मैं वादा करती हूँ, मैं बस की सबसे अच्छी सीट लूंगी और सब मेरे साथ बैठना चाहेंगे। हाँ ये खराब है। ओह हाँ हे पड़ाकू लड़की, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाते हैं। ये किडनैपिंग है। हिलो मत वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। नहीं मत करो, ये यहीं रहनी चाहिए। वैसे यहाँ मेरे घर के कमरों से ज्यादा जगह है, मुझे उम्मीद है ये चाबी काम आएगी। मैं बाहर आ गई। तुम्हें क्या चाहिए हगी? मैं तुम्हें बढ़िया सीक्रेट रूम बनाने का राज बताऊंगा। बस में सीक्रेट रूम बनाने के लिए मुझे यही चीज चाहिए थी। शुक्रिया हगी। स्निप स्नैप, बढ़िया ब्लैंकेट तैयार है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और वो बिल्कुल हाँ और मैं बिल्कुल हाँ। ओह नहीं, ये वापस आ गए, ये मुझे फिर से किडनैप कर लेंगे। हे मॉली, मुझे बचाओ। ओ वो देख लेगी। ओ एक आइडिया है, रोबो हैंड, हगी को इधर लाओ। नहीं चलो भी, ये हगी नहीं है। चलो एक और बार करते हैं। अच्छा नहीं, मुझे लाइट बल्ब की क्या जरूरत होगी, मुझे हगी चाहिए। फिर से फेल हो गई। ओह वो जा रही है। चलो जेकब का वर्कआउट देखने चलते हैं। आखिरकार बेबी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगी। ओह क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? अगर हमें एक बल्ब और थोड़ा कॉटन मिल जाए तो हम बढ़िया शैंडलर बना सकते हैं। वाओ वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरी मदद करने वाले हो ना? ये हो गया। हम बल्ब कहाँ लगाएं? ओह हाँ बीच में, अच्छा है। अब हमें चुपके से बस में शैंडलर ले जाना है। ओह देखो ये जेकब है, वाओ वो बहुत हैंडसम है। हे वो मेरा है। रुको मुझे जूडो आता है। आओ आओ आओ, ये जूडो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें चोट लगने वाली है। ओह पड़ाकू मेरी मदद करो। शुक्रिया, मैं इसका बदला लेकर आऊंगी। ला 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 ला, ओह मेरा जूस। शांत हो जाओ, मुझे नहीं। हेलो हैंडसम, क्या नहीं, मुझे तुम्हारी शरारते में कोई दिलचस्पी नहीं है। शुक्रिया, वो तुम्हें देखकर डर गया, वो हमारे लायक नहीं है, हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। लेसन के लिए कितना मजेदार टॉपिक है। हेलो अभी वापस आता हूँ, सही से रहना। वो चले गए। ये लो। ओप्स, ओह क्या ये टूट गया, ये टूट गया। क्या हुआ, ये किसने किया? हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। क्या हो रहा है, ये मैंने नहीं किया, मैं ये और नहीं सह सकता। इसे अभी साफ करो। मॉली तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ओह बेयर फट गया है, ये लड़कियां बहुत खराब है। मैं फट गया हूँ, कुछ करो मॉली। ठीक है, अगर इन बलून से अपने डोनट को पाउडर्ड शुगर की तरह सजा दूं तो? बहुत नरम है, बढ़िया। चलो इसे बस में ले चलते हैं। बस बहुत बढ़िया है, काश उसमें कोई बदमाश नहीं होता और फिर सभी दोस्त जैसे होते। मैं व्हील्स को पेंट करूंगी। ओह मेरी पेंसिल टूट गई, क्या मैं बढ़िया छोटा प्रिंटर इस्तेमाल करूं? वाओ ये बढ़िया है। उस लूजर को देखो, ओह सुंदर ड्रॉइंग्स है। अगर इनको कुछ होगा तो यकीनन बहुत शर्मनाक होगा। नहीं प्लीज, तुम ये क्यों कर रही हो? हम वापस आएंगे। ओह ये पजल की तरह है, अच्छी बस है। मुझे एक आइडिया आया, मुझे साइन बनाना होगा, मुझे बहुत जगह चाहिए। मेरा मार्कर कहाँ है? ये रहा। अच्छा चलो शुरू करते हैं, मैं पहले स्केच बनाऊंगी। अब मार्कर की जरूरत नहीं है, इसे हिलाओ और बोलाओ। बहुत अच्छे, मैं इसे छुपाकर बस में ले जाऊंगी। हे ध्यान से, ये मेरे नए स्नीकर्स हैं। बिल्कुल ये नए हैं। क्या तुमने कुछ कहा, हगी वगी कहाँ है? मेरे साथ आओ मॉली। तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त, मेरे लिए रुको। कितना ऊंचा है, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रही। ओह ओह मेरे पास एक आइडिया है, मुझे सीढ़ियाँ चाहिए। नॉलेज के स्टेप्स कितने अच्छे लगेंगे। मैं आ रही हूँ अगी। ओह ये अभी भी ऊंचा है, शायद मुझे इन सबसे बुक्स लेनी पड़ेगी। माफ करना, मैं बाद में वापस देती हूँ, अभी के लिए ये पकड़ो। पियू पियू पियू। ये मेरी स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया। ओह मैं भूल गई थी, एक साइन, कूल बस और कूल मॉली। मुझे अपने आप पे गर्व है। ओह मैंने टेबल बनाया था, बहुत अच्छे। अब पीछे की सीट पे मजे करते हैं। तुम्हें जैज पसंद है?
कितनी अजीब आवाज है। चलो इसे ठीक करते हैं। ला 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 ला। ओ, ऐसा लगता है मेरे म्यूजिक ने इन कूल गर्ल्स को अट्रैक्ट किया। क्या तुम तैयार हो? ओ नहीं नहीं नहीं, रुको, वो क्या है? बंद है। मेरी खुद की जगह तैयार है। मैं अपना सीक्रेट रूम शैंडलियर से सजाऊंगी। इधर कितने सुंदर बादल हैं। मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। वो उधर पढ़ रही है। चलो यहाँ से चलते हैं। इधर बैठो हगी, मुझे पेंट करते हुए देखो। ला 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 ला। इसे खाओ। पर मॉम, कोई सवाल जवाब नहीं, इनको कहीं रखना होगा। ये काम करेगा। कितना अजीब सा टॉय है। क्या मॉम, हगी नहीं, नहीं मॉमी, उसे आराम से रखो, मैंने सारा खत्म कर लिया। मैं तुम्हें बचा लूंगी। हगी रुको। वाह हगी, क्या ये तुमने खुद किया? ये बहुत सुंदर है। मॉली, मैंने कुछ बहुत सुंदर बनाया है। वो अपने आप कभी साफ नहीं करती। ओह बहुत सुंदर, हगी और मैंने बनाया है। हेलो, अच्छा एक दिन तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त होंगे। मुझे तुम पर गर्व है। देखो कौन आया है, तुम्हारी फेवरेट ग्रैंड मदर। हाय ग्रैंड माँ। हे हगी, तुम कहाँ गए? आज ग्रैंड माँ आई है। मेरी तरफ से उन्हें हग करो। आओ गले लगो। एक मिनट रुको, तुम कौन हो? ओह अच्छा, ये रहा गिफ्ट। शुक्रिया, बस इतना ही नहीं, ये बर्ड भी है। उठ जाओ। ठीक है, और वुल्फ तुम्हारे लिए ये लाया है। वाह, ओह मॉम, आपको आराम करना चाहिए। शुक्रिया ग्रैंडमा, मेरे पास आई पैड है और सस्पेंडर। ये सब काम करेगा। काट दो। अब मेरे पास टैबलेट के लिए कूल केस है। अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं। एकदम परफेक्ट। चलो इसे बैग में रख देते हैं, कल बहुत कूल दिन होगा। हाँ हगी, क्या मैं लेट हो गई? मुझे बस के लिए भागना होगा। रुको मत जाओ, बस हो गया। फिर बहुत मुश्किल से पहुंची। ओह हाँ, ये लगाती हूँ। अब सबसे जरूरी चीज, मेरा कूल टैबलेट। ध्यान से फास्टनर से लॉक करती हूँ ऐसे। और हाँ, जो भी मुझे सीक्रेट रूम के लिए चाहिए। तुम क्या कहते हो हगी? तुम बहुत अच्छी हो मॉली, तुम दोबारा ट्रूम ट्रूम ट्रिक मेरे बिना देख रहे हो। मेरी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर है, जैसे मैं। बढ़िया, और मैंने कहा घर में जाओ जेकब। क्या मजे करें। वाह, हे गर्ल्स, तुम इधर क्यों तांग झांग कर रही हो? दरअसल रूबी और केट का यहाँ आना मना है। अच्छा बुलीज, क्या तुमने सुना वो क्या कह रही है? आओ आराम से। कूल, तुम्हारा शुक्रिया। स्माइल करो, बोलो ट्रूम ट्रूम ट्रिक। देखो पिक्चर में कौन है? मैं। तुम मेरे फेवरेट हो। सब क्लास में वापस जा रहे हैं। स्कूल बस उतनी अच्छी जगह नहीं है, यहाँ स्टेटस बहुत जरूरी है। एक नर्ड कूल स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठ सकता। बेटी को दूसरी जगह देखनी चाहिए। पीछे की सीट सबसे बुरे बुलीज के लिए है। लूजर्स का आना मना है। बेचारी लड़की, ये लोग उसे शांति से कॉलेज नहीं जाने देंगे। नर्ड के लिए उसका बैकपैक सबसे कीमती चीज होती है। इसमें बहुत कीमती नॉलेज होती है। ये सारी नॉलेज सीधा जाकर बेटी के सर पर गिरी। इतना तंग होने पर वो रो देगी। काश वो अपनी छोटी बहन कैट की तरह मस्त होती। वो शहर की सबसे हॉट चीयरलीडर है, सब उसके लिए पागल है। शायद उसके साथ रिश्ता होने की वजह से क्लासमेट्स बेटी की भी इज्जत करें। कॉलेज में सभी को कैट बहुत पसंद है। बस अब वो लोग उसकी नर्ड बहन को तंग नहीं करेंगे। अब उसके लिए एक खास जगह बनाते हैं। ओ हाँ, हम बस में सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं।
क्या इसके बाद बेटी मशहूर हो जाएगी? शायद नहीं, पर उन्हें मजा जरूर आएगा। वो अजीब स्टूडेंट्स बहुत गंदगी फैला गए। सबसे पहले सफाई करनी होगी। बेटी को मदद की जरूरत है, पर कैट उसे नजरअंदाज कर रही है। उसे प्रैक्टिस करनी है। एक बार किसी को लगा बेटी क्लीनर है, और उसने एक हफ्ते तक कॉलेज की सफाई करी, और असली क्लीनर उसकी जगह क्लासेस में गई, थोड़ी नॉलेज पाई और बेहतर जॉब ढूंढ ली। अगर उसकी बहन सीट से छुटकारा पाने में मदद करेगी तो जल्दी हो जाएगा। कैट के लिए सब आसान है, वो बहुत टैलेंटेड है। बेटी थोड़े गुस्से में है, जलन बहुत बुरी चीज है, बेटी को छेलना सीखना होगा। कैट डांस की रिहर्सल करते करते थक गई है, और उसकी बहन फ्यूचर सीक्रेट रूम का ब्लूप्रिंट बना रही है। अगर पम्पकिन को कैरेज बनाना मुमकिन होता तो ये लड़कियाँ इससे कमाल का सीक्रेट रूम बना देती। शायद खिड़की खोलना बुरा आइडिया था। सब सीधा बेटी के मुंह पर आकर लगा। ये फैब्रिक कैनोपी के लिए परफेक्ट है, उन्हें और चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल कैट के सारे कामों की तरह। लगता है बस ड्राइवर आ गया। मिस्टर जैक्सन का रेस कार ड्राइवर बनने का सपना था, पर वो हो नहीं पाया। पर अब वो बस चलाते हैं, लॉन मोवर नहीं, और ये बहुत करीब है। असली रेस करना उनका सपना है। गली के कुत्ते और माफिया उनके पीछे पड़े हैं, बहुत दौड़ते हैं। स्पीड उनका मिडिल नेम है। बर्थ सर्टिफिकेट में जैक्सन नाम में बहुत गलतियाँ थी। इस लड़के को शार्प टर्न्स बहुत पसंद है। बेटी को सब कुछ ठीक करना होगा। अच्छा, वो स्टार्ट करना भूल गया तो क्या हुआ? इसीलिए किसी को नर्ड्स पसंद नहीं है। उसे हेडलाइट पसंद आई। अगर गायब भी हो जाएगी तो जैक्सन को पता नहीं लगेगा। वो वैसे भी अंधेरे में ड्राइव नहीं करता, उसे अंधेरे से डर लगता है। उसकी बहन टिकटॉक्स बनाने के लिए इस हेडलाइट का इस्तेमाल करेगी। बेटी के साथ ऐसा ही होता है। वो मदद करना चाहती थी पर फोटो खराब कर बैठी। पर अब लड़कियों के पास हेडलाइट्स हैं, अब वो स्टाइलिश लाइटिंग बना सकती है। अब साफ है कि बहनें बहुत अलग अलग हैं। क्या बात है, और ग्लोइंग हाथ और भी कमाल है। इससे बस एक टॉर्च की तरह चमक उठी। पूरी इंटीरियर पर चार चांद लग गए। बेटी ने देखा उसकी बहन कुछ अजीब कर रही है। वो अपना सर हिलाए जा रही है। शायद ये कोई नया टिकटॉक डांस है। उसका नर्डी स्वभाव बहुत दिलचस्प है। कैट तो बस टेनिस देख रही है। कई लोग ग्रैंड स्लैम के लिए उत्सुक हैं, पर सबके पास स्क्रीन के जरिए वर्ल्ड टूर्नामेंट की बॉल्स नहीं आती। बेटी को वर्चुअल रियलिटी और टेनिस बॉल बहुत पसंद है। अगर ज्यादा मिल जाए तो लड़कियां सीक्रेट रूम के लिए काम की चीज बना सकती है, एक आरामदायक मसाज चेयर की तरह। आखिरी स्टेप है मनपसंद रंग करना। मिस्टर जैक्सन को हर जगह सबसे जल्दी पहुंचना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो कुछ रूल्स तोड़ते हैं और शार्प टर्न्स लेते हैं। बेटी का चश्मा खो गया था और वो बिना चश्मे के चश्मा ढूंढ भी नहीं सकती। अगर कंफ्यूज ड्राइवर हाथ में स्टीयरिंग व्हील लिए कैबिन में कौन ढूंढ रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। लड़कियों के पास इसके लिए वक्त नहीं है, वो खुद देख लेगा और वो अपने सीक्रेट रूम का काम आगे बढ़ा सकती है। उन्हें ऐसे कोन्स की ही जरूरत थी, टेबल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लड़कियों ने उसे कैट के स्मार्टफोन पर रख दिया। वो बिना टिकटॉक के कैसे रहेगी? उसकी मदद करो, कमेंट्स में उसे बताओ उसका फोन कहाँ है। वो कैट की वीडियोस के बगैर नहीं रह पाएगी। ओह शुक्रिया दोस्तों, कैट आपसे बहुत प्यार करती है। खाने की डिलीवरी बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। बहनों को बहुत भूख लगी है। कैट को इतनी प्यास लगी है कि उसने सोचना ही बंद कर दिया। वो अपने दांतों से बॉटल खोलने की कोशिश कर रही है। रुक जाओ, थोड़ा चीट करके इसे एक ताकतवर इंसान से खुलवाना सही रहेगा। मिस्टर जैक्सन को पेपर बैग से डर लगता है। सब स्टूडेंट्स इस बारे में जानते हैं और उस पर प्रैंक किया करते थे। उसके मजबूत और शेकी हाथों से मदद मिल सकती है। लड़कियों को बस बॉटल को नीचे की तरफ रखना होगा। वो उन्हें ऐसे खोल रहा है जैसे बच्चे क्रिसमस पर तोहफे खोलते हैं। बहनों के दांत बच गए, पर मिस्टर जैक्सन के नाखून और दिमाग नहीं रहा। वो बहुत कांप रहे हैं, पर लड़कियों के पास ढेर सारे ढक्कन आ गए। उन्होंने एक सुंदर मिरर फ्रेम बनाया। उन्हें बस उसके लिए एक अच्छी जगह देखनी होगी। कैट ने अपनी बहन को चीयरलीडिंग सिखाने का सोचा। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बेटी के चेहरे को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, चाहे साथ में पॉम पॉम्स भी क्यों ना हो। कोरियोग्राफी एक कला है, और सारी कलाओं की तरह ये भी सबके लिए नहीं है। पर पॉम पॉम्स सीलिंग पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। शायद उन्हें पूरी सीलिंग पर सजा देने चाहिए। क्या बात है, उन्हें बस थोड़े और चाहिए। उन्हें जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर करने होंगे। इनकी कीमत 10,000 लाइक्स है। इस वीडियो को लाइक करें प्लीज। हर लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया दोस्तों, अब ये परफेक्ट है। मेकअप कैट की पहचान है, अच्छा दिखने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत घुटन है, बेटी को सांस नहीं आ रही। हवा आने की वजह से कैट को मेकअप में मदद मिल गई। पर हेज तक चढ़ कर जाना बुरा आइडिया था। बेटी के सर पर रॉड साइन आकर लगा। उम्मीद है साइन ठीक है। बेटी जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा स्ट्रांग है।
कैट बेटी का मेकअप करना चाहती है। क्या पता उन चश्मों के पीछे हसी ना खे निकले। बेटी ने एक बार अपने अंकल के फार्म में एक बुल का दिल जीत लिया था, पर ये सही से नहीं हो रहा। आर्टिस्ट में परेशानी नहीं है बल्कि कैनवास पे है। पर कैट को भी सही तरीके से कूड़ेदान में फेंकना सीखना होगा। बेटी को सफाई बहुत पसंद है। फर्श पर कचरा देखकर उसे गुस्सा आता है। उसे सफाई को एक गेम में बदलना होगा, नहीं तो उसकी बहन कभी सफाई नहीं करेगी। कैट को स्पोर्ट्स और जीतना बहुत पसंद है। उसे इस मामले में उल्लू बनाना आसान है। मिस्टर जैक्सन बिल्कुल सही वक्त पर आए। इंडिपेंडेंस के फायरवर्क से ज्यादा उन्हें चमचमाती हुई बास्केटबॉल के हूप ने हैरान कर दिया। बॉल से खेलना किसे पसंद नहीं है। वो अपनी कॉलेज टीम के सबसे अच्छे सदस्यों में से एक थे। वो हमेशा बेंच पर बैठते थे, पर फिर भी एथलीट्स कैट की कमजोरी है। चलो देखते हैं मिस्टर जैक्सन क्या कर सकते हैं। क्या बात है, पर बॉल उनके टूथ पिक पर लग गई और उसमें छेद हो गया। बिल्कुल कूल नहीं है। अब उनके पास बॉल नहीं है, पर उदास होने की जरूरत नहीं है। वो इससे काम चला सकते हैं। एक सेकेंड, अगर ड्राइवर यहाँ है तो बस कौन चला रहा है। जैक्सन को लगा ऑटो पायलट मोड है।